सेकेंड शिप का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा था, जहाज के नीचे भी जाना वो बहुत काफ़ी अच्छा सीन था सर। बट एक बार जब आ गया धीरे धीरे, हमें स्टार्टिंग में लगता है कि अब कैसे होगा कैसे होगा। हाय एवरीवन, जय माता दी, दिस इज प्रनीत मेहता, डायरेक्टर जे एम डी अकेडमी। टुडे आई हैव गॉट थ्री ऑफ माय स्टूडेंट्स आउट हेयर, और मेरे बच्चे हैं ये, दे वर द सेकंड बैच स्टूडेंट दोज हू केम टू अस, और इन 2017 दे जॉइंड अस, कॉलेज से पास आउट हुए 2019 में, एंड सेलिंग इन डिफरेंट शिपिंग कंपनीज। ही हैज कंप्लीटेड हिज सेलिंग टाइम इन टू शिप्स, राइट? यस सर। वन 10 मंथ्स, वन 11 and 9 months. So he is good to go for his second mates exam. Of course, I am not going to reveal their names or the shipping names because of the company's policy. Another is Abhinav sitting over here. He has already done his two shifts, going for his third shift very soon. He has completed in two shifts only. Jai Mata Di, jackpot lag gaya. Teesra hai sir, jis company mein hamare paas thoda sa waiting period thoda sa zyada hai. So, but anyways, he has done his first shift and about to join his second shift very soon, right? Yes, sir. तो भाई अभिनव हैज सेल्ड ऑन व्हाट शिप्स? टू शिप्स कौन कौन से किए हैं? सब बल्क कैरियर एंड कंटेनर्स, बोथ कंटेनर्स। फर्स्ट शिप वाज ऑयल कैम टाइप 2। तो यहाँ थोड़ा सा जैकपॉट लगा हुआ है। सी नाउ, जिस कंपनी में ये सेल कर रहे हैं वहाँ पर सारे कंटेनर्स है, राइट? जिस कंपनी में ये सेल कर रहे हैं वहाँ पर हर तरह के जहाज है। बट ही हैज डन लाइक बल्क कैरियर कंटेनर, आई होप ही गोज ऑन टैंकर दिस टाइम, तो डांट सुनेगा मेरे से। ही हैज टू पुश एंड आई होप हिज अप्रेजल इज गुड ऑन बोर्ड शिप। कैसा था अप्रेजल जहाज पे? अच्छा था, बिल्कुल भाई, बढ़िया था। यहाँ तो तेरा अप्रेजल अच्छा नहीं था, तू हमारे साथ यहाँ पर पढ़ाई करता था, यहाँ तो डांटी सुनी है। तभी तो सर अच्छा हुआ। यहाँ से डांट सुनी तो वहीं पर तो सर ठीक हुए। यहाँ से ट्रेन होके वहाँ पर जाके मेरी डांट सुनने का, मतलब यहाँ से डांट सुनने का फायदा मिला वहाँ पे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ यार तेरे साथ जब तू जहाज पे गया और गजब एक दिन, आज भी इसी का ऐसे, आज भी आते वक्त सबसे पहले डांट सुनने को, कि 12 बजे का टाइम था आने का, भाई लोग देखे मेरे 12:35, तो मैंने बोला अभी जहाज पे काम करते हो कि रिक्शे वाले की दुकान पे काम करते हो, कहाँ काम करते हो? सी जहाज पे काम करते हो, इधर काफी ट्रैफिक था, जहाज पे ट्रैफिक नहीं होता, राइट? हाँ, ये चाइना में जाओ तो मिल जाता है। सो भाई, अच्छा पहले एक करके पूछते हैं, योर फर्स्ट शिप एक्सपीरियंस व्हेन यू जॉइंड ऑन योर फर्स्ट शिप, लाइक हाउ वाज इट? सर फर्स्ट शिप में सर थोड़ा नर्वस था सर, फर्स्ट शिप था, पहली बार ऑन बोर्ड, पहली बार सर आउट ऑफ मतलब इंडिया गए सर, तो सर थोड़ा एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था। तो सर पहले के अराउंड 1 वीक सर मेरे को समझ में नहीं आता, मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ क्या हो जाता है, ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे जाएंगे हो जाएंगे। बट हमारा जो किस्मत हुई सर, जो हमारे मेरे चीफ ऑफिसर थे वो मेरे कॉलेज के फर्स्ट बैच वाले थे, वो DNS 1 के थे, तो उन्होंने थोड़ा अच्छा सपोर्ट किया सर, उन्होंने ट्रेन करा उसका, धीरे धीरे करके अडेप्ट करा, तो फिर सर वो हो गया था। और क्रू भी अच्छा था, ना कोई वहाँ पर कुछ वो था ऐसा, तो सब काम भी सीखा सर, क्योंकि बल्क एरिया में सर ज़्यादा वैसा काम होता है, और नेविगेशन भी थोड़ा थोड़ा सीखा। तो सेकेंड शिप मैंने कंटेनर इसलिए किया क्योंकि मेरे को नेविगेशन सीखना था, तो वहाँ पर मेरे को ज़्यादा नेविगेशन सीखने को मिला कि ट्रैफिक में कैसे करते हैं, और जब पायलट होता है तब स्टेयरिंग कैसे करना है सर, पायलट इज वाटर में स्टेयरिंग किया सर, तो सर बहुत एक सेकेंड शिप का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा था। ओके, अब टेस्ट है इसका, देखते हैं अभिनव पास करता नहीं करता। अभिनव, सी दिस गाइस, नथिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड, ट्रस्ट मी, जस्ट रैंडम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक डेक कैडेट के लिए क्या है, सो दैट ही कैन बिकम अ सक्सेसफुल? तुम्हारे से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आई वॉन्ट योर आंसर, जस्ट वन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर डेक कैडेट के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है सर टू मतलब सब चीज को सीखना सर, जैसे सर हमें मतलब क्यूरियोसिटी और इन टेकिंग इनिशिएटिव, यू वांट टू से दैट, एंड कि मतलब सर काम कैसे करना है सर, मतलब जैसे हमें कोई भी जैसे चिपिंग पेंटिंग दिया सर, तो हमें वो करना है ताकि अगर फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में हम ऑफिसर बनेंगे, हमें काम देना है, तो हमें पता होना चाहिए कि सर कि इस काम करने कितना टाइम लगेगा, इसलिए सर डेक कैडेट को सर सब कुछ कराते हैं ताकि उसको पता रहे कि आगे जाके कि इस काम करने को इतना टाइम लगेगा, तो जो वैसे है सर जो वो रेटिंग है सर वो उनको वो नहीं कर सके। ओके, सो मतलब यू मीन टू से टेकिंग इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, टेकिंग इनिशिएटिव एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न। तो मुझे तो लगता तेरे में है ज़्यादा, थी ज़्यादा तेरे में, अब आगे डेवलप होगी। यहाँ तो जब था तो बिंदास, बिल्कुल जय माता दी, ऐसा था। सी गाइज, आई एम वेरी ऑनेस्ट गाइज, मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मुझे अपने बच्चों में कभी अच्छाई दिखती ही नहीं है। ये तुम क्या लगते हो, ये आए तो बिल्कुल डांट सुनी है और जिंदगी भर डांट सुनते रहेंगे,
और आई गेस दैट्स व्हाट आई नीड टू डू. पता नहीं प्रवीण सर जो हैं वो थोड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं और मैं वो गुस्सा छड़ी. अच्छा कमिंग टू कुलदीप, थैंक यू कुलदीप फॉर कमिंग. कुलदीप जी एक शिपिंग कंपनी में सेल कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ कंटेनर्स हैं, राइट? सो कुलदीप बड़े लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट मारे यार, दे वर दोज़ वर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स. हाउ डिड यू मैनेज? सर मैनेज क्या, बस वही सिचुएशन हो गई थी वैसे ही, कोविड का सभी अभी भी चल ही रहा था. फर्स्ट टाइम जो था वो 11 मंथ्स से एक्सपेंड हो गया, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो ऑलमोस्ट ये कोविड ज़्यादा हाई हो गया था, इसकी वजह से सर साइन अप नहीं हो पाया टाइम. तो दिल कर रहा था घर जाऊँ, काम फंस गया ऐसा यार, कर तो रहा था, बहुत कर रहा था. तो फिर 11 महीने मैनेज, हर दिन कैसे यार उठते थे भगवान आज फिर वो यार कब जाऊँगा कब जाऊँगा, है सर कर लिया कैसे कैसे. फिर ड्राई डॉग आया, ड्राई डॉग में थोड़ा टाइम. तो ड्रेड डॉग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ड्रेड डॉग में काफ़ी अच्छा रहा सर, जीप होम सर मतलब जाता था, देखता था कौन सी चीज़ क्या है कैसे है, जहाज के नीचे भी जाना, वो बहुत काफ़ी अच्छा सीन था सर. तो बिल्कुल नीचे जाना, प्रोपेलर देखना, अच्छा लगा प्रोपेलर वगैरह देख के. हाँ यस सर. तो अभी अगर तुम्हें बोला जाए ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग करनी है तो लॉजिक पता है क्या है? यस सर बिल्कुल पता है. और नेविगेशन वगैरह पे हाथ सेट है थोड़ा सा? यस थोड़ा सेट है, ज़्यादा सेट है? थोड़े से ज़्यादा सेट है. अभी ही इज़ गोइंग टू गिव ए सेकंड मेट्स एग्जाम, माता रानी जानती है तो भी पता चल जाएगा. सी गाइस अभी जैसे कुलदीप है ये, ही इज अबाउट टू गिव ए सेकंड मेट्स एग्जाम, उससे पहले अब्दुल हैज गिवन ही सेकंड मेट्स एग्जाम. तो अब अब्दुल जो है इसको हाथ पकड़े खींचेगा. तो अभी आई हैव गिवन हिम इज अब्दुल्स नंबर ताकि अब्दुल को कॉन्टैक्ट करे, उसकी हेल्प ले विदाउट हैरेसिंग हिम, क्योंकि उसको भी अभी हम एग्जाम देने ओरल्स वगैरह दे रहे, सेकंड मेट्स के रिटर्न क्लियर कर चुका है. बट दिस इज हाउ एज अ फैमिली, और कल को ये जब कर लेगा तो फिर बाकी लोगों की हेल्प करेगा, अच्छा तुम ऐसा करो ऐसा करो, एंड दैट इज हाउ अ फैमिली ग्रोज अहेड. अच्छा एक चीज़ कुलदीप, तुम्हारी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है डेक एल्ट के लिए, अगर वो अच्छा ऑफिसर बनना चाहता है या शिप पे एक अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहता है, तुम क्या कहना चाहोगे? सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप ऑब्जर्व करो और ट्राई टू डू दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल आपका वेरी नेक्स्ट स्टेप है, आप कैडेट शिप खत्म करने के बाद आप थर्ड ऑफिसर बनने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड ऑफिसर का जॉब देखो, ऑब्जर्व करो क्या करता है, पहले से एफएफए मेंटेन करना, बोर्ड पेपर मेंटेन करना, और जो भी मतलब काम करता है वो प्लस एडिशनल आप फाउंडेशन तो होती है आपके साथ कि आप चीफ ऑफिसर के अंडर में होते हो, तो आप कभी चीफ ऑफिसर से परमिशन लेके सर कि क्या मैं थर्ड ऑफिसर के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकता हूँ ताकि मैं उसके जॉब सीख सकूँ. प्लस सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं रहना है, बाकी और चीज़ें भी होती है जैसे शिपिंग, पेंटिंग, अभी अभिनव ने बताया कि ये सब भी करना होता है. ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ताकि हम जब ऑफिसर बने तो हमें भी पता रहे कि कौन सा काम कैसे करना है और कितने टाइम में उसे ख़त्म कर सकते हैं. इसमें एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँ, कुलदीप ने बहुत अच्छा बोला, किसी मुझे भी किसी ने बहुत पहले बोला था, मेरे 32 साल ने बना था फर्स्ट शिप, तू अभी से फोर्थ ईयर काम सीख. मगर उसमें कैच था, मैं फोर्थ ईयर काम तो सीख रहा था लेकिन मुझे अपना कैडेट का काम नहीं आता था, तो गाली अलग पड़ती थी. अरे पहले जो अपना काम है यू नीड टू बी वेरी गुड एट दैट. सो योर रोल ऑन फर्स्ट शिप इज एज अ डेक कैडेट ऑन योर फर्स्ट शिप इज टू नो योर वर्क फर्स्ट, वेदर इट इज चैंपिंग, चिपिंग, पेंटिंग, हाउ टू मेक पेंट, विच पेंट इज यूज वेयर, हाउ टू इनकॉर्पोरेट दोज पेंट्स, बोसन का कैसे इंटरेक्ट करना है, ओएस का क्या काम है, एंकरिंग में कैसे काम करना है, विंचेस कैसे काम करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं. सेकेंड शिप पे उसको तुम अच्छे से इंप्रोवाइज करते हुए तुम ब्लास्टिंग, डी ब्लास्टिंग, नेविगेशन के क्वेश्चन पे आ सकते हो. थर्ड शिप पे आते आते अब तुम्हें डेक कैडेट से थर्ड ऑफिसर का काम सीखना है. सो पहले शिप पे जाकर अगर थर्ड ऑफिसर काम सीखने आओगे तो जुतियाँ पड़ेंगी. दिस इज वॉट आई वुड डू. तुम्हें तभी 3 शिफ्ट दिए गए हैं कि पहले जहाज के ऊपर फंडामेंटल्स बेसिक्स को सही करो, सेकंड जहाज पे जाके उस बेसिस के ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाओ, थर्ड जहाज वो एलिवेटर का काम करेगा जो कि तुम्हें सेकंड मेट बनाएगा, राइट? थर्ड ऑफिसर बनाएगा, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मेक सेंस? तो क्लैरिटी आ गई नाउ. सो थैंक यू कुलदीप फॉर योर इनसाइट. नाउ लेट्स कम टू अनुराग. अनुराग की सी वैसे तो मुझे हर बच्चे में बुराई दिखती है. अनुराग अभी ऋषिकेश से आया है, ही स्टेज इन ऋषिकेश देयर, एंड अभी अपना एक शिप किया है. और अनुराग वाज ऑन ऑयल कैम टैंकर, राइट? टाइप 2. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन ऑयल कैम 2 टैंकर्स? सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली. आई जॉइंड फ्रॉम कोचीन एंकरेज, सो आफ्टर विद इन 5 डेज देयर वाज अ टैंक क्लीनिंग ऑपरेशन ऑन माय शिप. सो आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट कि क्या करेंगे कैसे होगा, लाइनअप्स मेरे को कुछ नहीं पता, एंड चीफ ऑफिसर भी टेंशन में बिकॉज वी हैड अ ड्राई डॉक ऑल्सो आफ्टर 10 डेज. सो मैं फुल शिप प्रिपेयर करना था एंड चीफ ऑफिसर भी मेरे नए थे. सो मेरा फर्स्ट शिप था, उनका एज अ फर्स्ट चीफ ऑफिसर था, तो काफ़ी मतलब लॉस्ट आउट हो गया कैसे करेंगे कैसे, बट हेल्प किया मेरे को सब लोगों ने वहाँ पर.
धीरे धीरे मैंने ट्राई किया कैसे लर्न करनी है चीज़ों को, बट एक बार जब आ गया धीरे धीरे, हमें स्टार्टिंग में लगता है कि अब कैसे होगा है ना, हमारा मतलब काफ़ी मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे सीखते रहें, वो एकदम से एक दिन आएगा जब आपको सब आता होगा, ऐसा आपको लगेगा कि आपको आती है एंड आप कर लेंगे उसको मैनेज धीरे धीरे, बट स्टार्टिंग में ही कुछ लोग होता है कि मतलब वो हिम्मत तोड़ देते हैं, गिव अप मार देते हैं, लूज हो जाती है उनके लिए। सी इसकी बात से मुझे याद आ रहा है कोटेशन जो कि मैं फाइंड ट्रू नॉर्थ पे सब जगह बोलते रहता हूँ, जो बहुत अच्छी लगी मुझे, स्लो बट स्टडी, स्लो बट स्टडी इज द फास्टेस्ट वे टू रीच द टॉप। यस यस, स्लो बट स्टडी, ये मतलब कमाल की है, हर दिन लगे रहो, धीरे धीरे लगे रहो, अ टाइम विल कम व्हेन यू विल नो दोस थिंग्स, एंड देन अगेन सेकंड थिंग इज जो ऐड करी, स्लो बट स्टडी इज द फास्टेस्ट वे टू रीच द टॉप, राइट, बट व्हेन यू रीच द टॉप रिमेंबर दैट एवरी टॉप ऑफ अ माउंटेन इज द बॉटम ऑफ एन अनदर वन, सो देन अगेन कीप क्लाइंबिंग। जैसे अब थर्ड शिप पे जाने वाला है, यहाँ पर अब इसका काम है अभिनव का कि अभी से सेकंड थर्ड मेट का काम बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो जय माता दी हो जाएगी। इसका अब काम है, अगला माउंटेन आ गया, सेकंड मेट्स क्लियर करने और कोशिश करना है पहले टर्म में क्लियर हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा था उस पे काम करना है, अब्दुल हक और उसके जैसे और दोस्त बच्चों की हेल्प लेनी जो कि ऑलरेडी दे रहे हैं कि कहां से देना आसान रहेगा, कहां से दूं, किस तरह क्वेश्चंस पूछाते हैं, पहले रिसर्च करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, देन मूव अहेड। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे लोग इतना भी बहुत अच्छे से पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं, राइट कुछ मॉक इंटरव्यूज देने, सो दैट दोज हेल्प एंड थिंग्स आर टेकन। तुम्हारा केस ये है, इन्होंने एक अलग पैशन भी डेवलप कर लिया ड्यूरिंग दिस वेटिंग पीरियड, ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम, सो इज वर्किंग ऑन दैट पैशन एज वेल। सो सी अंडरस्टैंड, जो लोग थोड़ा भी वेटिंग पीरियड में खाली घर पे बैठे हुए क्या करें, वे जुगाड़ लगाते हैं, वे सीरीज निपटा देते हैं, नॉट गोना वर्क, सो प्लीज यूटिलाइज दैट वर्क समवेयर और द अदर एंड डू बेस्ट, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, स्लोली बट स्टेडीली इज द फास्टेस्ट वे टू रीच द टॉप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय माता दी। जय माता दी।